જય હિન્દ ગુજરાતી સ્ટડી એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેક કે દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે તો આજે આપણે વિડીયોમાં જોઈશું ડૉક્ટર સીવી રામન ડૉક્ટર સુબ્રમણ્યમ વરા મિહિર ડૉક્ટર સત્યનાથ બોઝ ભાસ્કરાચાર્ય શાળા વિકાસ સંકુલ બનાસકાંઠા તારીખ અઢાર દસ બે હજાર ચોવીસ વાર શુક્રવાર પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષા બે હજાર ચોવીસ ધોરણ બાર છે વિષય હિન્દી કુલ ગુણ છે ત્રણ કલાકનું પેપર છે તો મિત્રો અત્યારે ધોરણ નવથી ધોરણ બારની પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષા ચાલી છે અને એની અંદર અલગ અલગ જિલ્લાઓની અંદર અલગ અલગ તારીખે અલગ અલગ વિષયના પેપર લેવાઈ રહ્યા છે તો અત્યારે હું તમારી સમક્ષ પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષા બે હજાર ચોવીસનું ધોરણ બારનું વિષય હિન્દીનું પેપર મિત્રો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે મૂકવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે જેથી કરીને જે જિલ્લાની અંદર ધોરણ બારનું હિન્દી વિષયનું પેપર બાકી હોય એમને પરીક્ષાની પૂર્વ તૈયારી રૂપે એક મોડલ પેપર તરીકે તમને મદદરૂપ થઈ શકે એટલે કે મિત્રો એ જ પેપર આવશે એવું નથી પરંતુ એમાંથી કેટલાક प्रश्न आई सके पेपर में मथाड़ू केवखू के ये मालूखों तुवा मिली रहें परिरूप तो शुरुआत करिए अपने विभाग ए थी जो प्रथम गद्य विभाग विभाग ए है तो गद्य विभाग निर्मिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखना है तो देखिए उनमें नमक की गाड़ियों किसकी थी तो वो थी पंडित अलोपीदीन की थी ऑप्शन सी आ जाएगा वंशीधर को पंडित अलोपीदीन के ल ने कौन से पद पर नियुक्त किया था तो स्थायी मैनेजर के पद पर बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था राधा था लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया तो पूछते नहीं सिक्रम किससे चलती थी तो घोड़ों से सिकरम चलती थी। गांधी जी भगवान से क्या प्रार्थना करते थे लेकिन क्या प्रार्थना करते थे तो वो करते थे रक्षा के लिए सहादत अली ने अपनी आदि जायदाद किसे दे दी तो कर्नल को सवार किससे मिलना चाहता था तो कर्नल से मिलना चाहता था रचना के लिए रत्ना के साथ योग्य पात्र का जोड़ मिलाकर लिखिए रचना और पात्र हैं अकेली तो आएगा अब्दुल्ला सेठ और कारतूत कारतूस तो आएगा वकील ठीक है इस प्रकार आएगा देखते आगे नीन के प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है तो वंशीधर किस विभाग के दारोगा थे तो नमक विभाग के शुमाबुवा के के बेटे का नाम क्या था तो हर लेखक का पुश्ते घर बंद क्यों रहता था तो घर के सभी लोग गांव से शहर में स्थायी हो गए थे इसलिए कंपनी का क्या हुक्म था तो वजीर अली ने वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए वो कंपनी का हुक्म था आगे देखते हैं नीनों के प्रश्न के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखना है कि तीन वंशीधर की अदालत में क्यों हार हुई सुमाबुआ ने अंगूठी क्यों बेच दी लेखक को क्या लगा कि क्यों लगा कि मां का हृदय अभी जीवंत है हिंदुस्तानी भाइयों ने गांधी से क्या कहा कर्नल हक्का पक्का क्यों हो गए वो आपको लिखना था अगर सवाल दिन में प्रश्नों के उत्तर सात आठ वाक्यों में लिखना है सुमाबुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी अथवा में दिया है गोरी मुखिया और गांधी जी के बीच झगड़ा क्या हुआ क्या हुआ वो आपको लिखना है अब देखते हैं विभाग बी देखिए विभाग बी में देखिए क्या है वह पद्य विभाग देखिए विभाग बी में क्या है पद्य विभाग है वो आपके सामने देखिए क्या पद्य विभाग में तो देखते हैं पद्य विभाग में निर्मखी प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनको लिखना है कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते थे तो चंदन कैसे डालते थे गोपियों किसकी बन बड़ी माला पहनेगी तो गुंजा की माला बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था तो कश्यप ऋषि के आश्रम में कवि ने कमल को किस रंग का बताया है तो सुनहरे रंग का बताया है जब बादल को गिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था तो था वसंत ऋतु का कवि सोए हुए को कैसी गजल सुनाना चाहते हैं तड़प तड़पती सी हम सफर क्या कर रहे हैं तो उंगे हुए हैं शकुंतला का किसके साथ यह हुआ था तो दुष्यंत राजा के साथ हुआ था और कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा मिलाइए तो देखिए कान हो वह बस बांसुरी के तो आएगा रसखान आएगा और बाढ़ की संवेद संभावना है तो इसमें देखिए बाढ़ की संभावना इसमें क्या आएगा उसमें आएगा दुष्यंत कुमार आएगा ठीक है देखते आगे कृष्ण की राग में गीत गा रहे थे तो थमार राग में बालक की लालन पालन कहाँ हुआ था तो कश्यप के आसम में हुआ था कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलील में किसको तैरते देखा है तो हंसों को तैरते देखा है दरखतों के तने कैसे हैं तो बहुत नाजुक हैं और आगे देखते हैं निर्मिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखना है कि इन्हें तीन को मीरा क्या दुखी है गोपियों व्रज से व्रज से क्यों भाग जाना चाहती हैं और सिनी क्यों गरजने लगी बादल को गिरते देखा है कविता के प्रथम चरण में कौन सा दृश्य है और आदमी को झुनझुना कहने का तात्पर्य क्या है वो आपको लिखना था अब देखते आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सात आठ वाक्यों में लिखना है कृष्ण के वियोग में गोपियों किस प्रकार स्वांग रचेगी और कैसे अथवा में दिया है बाढ़ की संभावना है गजल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए अब देखिए विभाग सी विभाग सी में क्या है तो व्याकरण विभाग है तो देखिए इसमें समाधि शब्द लिखना है कोलाहल ठीक है वो तो आपको लिखना है अनमना तो आएगा उदास और कोलाहल और उदास और खिन्ना जाएगा और निर्मिखित शब्दों के विलोम शब्द तो उत्साह तो निरुत्साह वो आपको लिखना है निर्मिखित शब्दों में स्तम शब्द तो तो आंसू आएगा अश्रु और कपूत तो आएगा कुपुत्र वो आपको लिखना था ठीक है निर्मिखित शब्द की प्रत्यय या उप, आ, क्या लिखते हैं प्रत्यय के उपसर्ग लिखना है अनुभवी तो ई और शिक्षित तो शिक्षित इत शब्द समूह के, के लिए एक शब्द काम के पास कहीं जाने वाली बात वो आपको लिखना है कान के पास कहीं जाने वाली बात और प्रभात का सूर्य तो बालारूण और आगे देखते हैं निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखना है आपको अनिल मंद मंद बह रहा था तो मंद मंद अनिल बह रहा था वो लिखना था कहावत है न जाने आंगन टेढ़ा तो अपनी असमर्थता छिपाने के लिए बहाना बनाना मुहावरे के अधिकार वाक्य प्रयोग छाती पर से पत्थर हटना तो बाहर उतर जाना और बद उड़ तो बदनामी होना अब देखते आगे निम्न के प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखना है पुस्तकालय किसे कहते हैं तो पुस्तकों का आलय अर्थात पुस्तकों का घर जिसको पुस्तकालय कहते हैं हार्डवेयर किसे कहते हैं तो हार्डवेयर कंप्यूटर की मशीन हुए इसमें कंप्यूटर मोनिटर कुंज बटल केंद्रीय संसाधन इकाई माउस था मुदिर आदि समाज होता है और मनी ऑर्डर किससे कहते हैं तो मनी ऑर्डर डागर के माध्यम से डागर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली क्या है प्रदान की जाने वाली घरेलू अंतरण सेवा है और एस एम एस का शॉर्ट मैसेज सर्विस उसको एस एम एस का कहें आप देखते विभाग डी देखिए इसमें क्या हो जाएगा तो विभाग डी में देखिए क्या है पद्यांश की संदर्भ व्याख्या आपको करना है चीड वन में आदियों की बात मत कर इन दरकों के बहुत नाजुक तने हैं वो आपको लिखना है ठीक है और अब देखते आगे देखिए क्या है निम्नलिखित अपधित गद्यांश को पढ़कर एक तिहाई में सारांश के लिखकर उचित शीर्षक देना है यानी कि दोस्तों एक सारा मैंने आपके सामने जो रखा है गद्यांश उसको आपको पढ़ना है और एक एक तिहाई उसमें सारांश यानी कि संक्षेप करके उसको आपको शीर्षक देना है तो आप उसको पढ़ लीजिए मैंने आपके सामने वो रखा है ऐसे तो आप उनका स्क्रीन ले लीजिए ठीक है और उसका शीर्षक आ जाएगा आ जाएगा जीवन जीने की जीवन जीने की कला ठीक है अब देखिए आगे कद्यांश को पढ़कर गए प्रश्नों के उत्तर देखना है आपको ठीक है तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा मैंने आपके सामने रखा है वीडियो पॉज किया है तो आप उनका सीन स्क्रीन शॉट ले लीजिए बाद में उनका आंसर देना है ठीक है सवाल है सुख दुख को लेखक ने शारी क्यों बताया है, तो जगत के लिए बताया है ठीक है जगत में सुख दुख का संघर्ष हर एक समाज एवं देश की चलता है धन प्रतिष्ठा और बुद्धि धारण करने वाले को क्या दुख है सामान्य लोगों की तरह ही धारण करते हैं इसलिए हम किससे मुक्त नहीं हैं तो हम सुख दुख के संघर्ष से मुक्त नहीं है ठीक है कैसे लोगों को कमी नहीं है और इस परिषद के लिए योगी शीर्षक जो क्या हो जाएगा तो सुख दुख अथवा सुख दुख का कर्ज हुआ आपको लिखना है ठीक है अब देखते आगे विभागी में देखिए दोस्तों तो आपके सामने एक कहानी है इधर आपके सामने जो सारी कहानी रखा है रूपरेखा के उनके आधार पर आपको कहानी लिखना है तो आप उनका सीन शोर ले लीजिए बाद में कहानी बना दीजिएगा ठीक है और दो सौ पचास शब्दों में निबंध लिखना है आपको ठीक है नदी का रौद्र रूप कर्तव्य निष्ठी पाख्यात्मक और मंगाई का मां डालेगी वो आपको लिखना है ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर खत्म करते हैं तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया हो यूजफुल लगा हो तो उनको आप लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करना मत बोले हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ तब तक बने रहें जय हिंद जय भारत बेस्ट ऑफ लक